सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ कांग्रेस से विजय ढिल्लों भी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमन मलिक, सवाल आपसे ही था कि ठीक है ना, वादा तो आप ही ने किया था पहली कलम से लागू करने का, दूसरी चीजें करने का, अगर वो नहीं हो पा रही है तो फिर ये क्यों कहना कि विपक्ष बरगला रहा है? देखिए साहब, मैं तो आज खुला आप लोगों को और आपके माध्यम से हर एक को खुली बात करता हूँ। मेरे को ये बताइए, स्वामीनाथन आयोग के मुख्य बिंदु क्या थे? मेरे को ये बताइए, उन मुख्य बिंदुओं में से किस पे काम नहीं चालू हुआ? मेरे को ये बताइए कि उसके अलावा आज स्वामीनाथन आयोग के अलावा अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, ठीक है, तो पूरी सरकारों ने मिलकर कितना अनुदान बांटा था, इस सरकार ने कितना बांटा, मेरे को इसके जवाब दे दीजिए। सर जवाब ले लेते हैं ना, सर रमन जी जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, क्या स्वामीनाथन आयोग के जितने बिंदु हैं उस पर काम नहीं कर रही है सरकार? इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनमें काफी काम कर रही है सरकार। कोई बात है उसको जो जो है उसको कहा जाएगा, लेकिन झगड़ा कहां पर है? झगड़ा ये है कि जो 50% लाभांश का जो विषय है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और दूसरा काम ये है कि जैसे ये जो बीमा, फसल बीमे वाला मुद्दा है, फसल बीमे में कुछ सुधार हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है कि इन सुधारों इनमें हम सुधार करने वाले हैं। तो ये रमन जी एक मिनट दूसरा काफी ये भी किया है कि उसमें 10,000 रुपए आपदा के प्रबंधन, आपदा से पीड़ित किसानों को देने की बात है, इन्होंने 12 किए हैं। तो कई काम अच्छे सरकार द्वारा, इनकी सरकार द्वारा किए गए हैं, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। और क्योंकि हम विपक्ष नहीं है कि हर बात का ही विरोध करना है, तो इसलिए उसमें आपकी तरफ से कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं ऐसी चूक रही है कि 50% आप कब दे रहे हैं, और या तो पिछला जो बयान आपका था वो उसके लिए आपने गलत कहा, उसके लिए गलती माननी चाहिए आपने। ठीक है ठीक है, विजय ढिल्लो, क्या पिछली सरकारों ने जो कुछ किया है उसकी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ये बात कही। रमन मलिक जी, विजय ढिल्लो हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता देर से जुड़े, चलिए एक बार उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप सबके जवाब दे दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। विजय ढिल्लो, बार बार ये बात कही जाती है कि पिछली सरकारों की देन है किसानों की, ये जो परेशानी है। देखिए, जो कुछ भी देन है इस सरकार को, ये एक ही बात कह के टाल देते हैं कि पिछली सरकार की देन है, क्योंकि 70 साल से राज हमने किया है, तो जो भी हिंदुस्तान है मैं कहूंगा कि वो सब कांग्रेस की ही देन है। और अगर ये जो सरकार है ये सिर्फ एक जुमला सरकार है, सिर्फ वादे करती है। इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैनिफेस्टो में रखा था, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया, और ना इनकी करने की नियत है। क्योंकि मैं इस पर दो ही बात बोलूंगा कि इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। साथ में ये बताइए कि कौन सा मुद्दा नहीं करा। देखिए, मैं अब मुद्दों की अगर आप बात करेंगे तो इतनी स्वामीनाथन की ये विषय थे, उसमें से इस पे काम नहीं करा। रमन जी, बहुत ही लंबी लिस्ट है, मैं कवि भी हूँ, कविता भी लिखता हूँ, 4 लाइनें सुनाऊंगा आपको, उससे पता चल जाएगा। अभी सुना, कविता सुनाऊंगा तो अभी सुना दीजिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी सुन लेते हैं, अभी सुन लेते हैं, आएंगे आ रहा हूँ रमन मलिक, आपके पास आ रहा हूँ, एक बार सुन लेते हैं। देर से जुड़े ना विजय ढिल्लो, दबा के रखी उसके ऊपर आप ये बताइए। चलिए, नहीं, मैं पूछ लेता हूँ रमन मलिक ईमानदारी से। हमने जैसे वीरेंद्र जी से पूछा, उन्होंने बता दिया कुछ काम हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, विपक्ष के आरोप पर भी आऊंगा। जी विजय जी, देखिए, मैं अपनी कविता की 4 लाइनें सुनाता हूं कि राष्ट्रवाद का भ्रम दिखाकर पूंजीवादी लूटेंगे, और देखना एक दिन भगत जनों के सारे सपने टूटेंगे जैसे किसानों के टूटे हैं, और बरसों पहले तोड़ दी मस्जिद, क्या वो मंदिर बन पाया? अरे काले धन का पता बता दो, किस किस को है चल पाया? अभी तक आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, आपने बीजेपी का हेडक्वार्टर बना दिया है, बड़ा अच्छा बनाया है। ठीक है प्रवीण अत्रे, ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है इसको तो मान लीजिए, अगर सरकार कह रही है फिर कुछ किसान भी कह रहे हैं कि सरकार ने काम किया है, गति को लेकर सवाल हो सकते हैं? देखिए वारुण, पहली चीज तो ये है, अगर मैं हरियाणा के संदर्भ में बात करता हूं, इन्होंने 154 वायदे किए थे अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के लोगों के साथ, जिसमें मुख्य बातें थी कर्मचारियों को पंजाब में किसानों की बात करेंगे, प्रवीण अत्रे आज सिर्फ किसानों की बात करेंगे, कर्मचारियों को पक्का करेंगे, किसी और दिन आ जाएंगे। अरे मैं सारी बता देता हूं, अरे वही बता रहा हूं ना, सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने कहा SYL का पानी लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उसके बाद चुप बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के, और बाकायदा ये कहा था 50% लाभ देंगे,
ये बकायदा वादा था किसान के साथ, क्या कर रहे हैं अब आप? अगर इस तरह से शब्दों की बाजीगरी करोगे, शब्दों की बाजीगरी करोगे तो शब्दों की बाजीगरी करके काम नहीं चलेगा। आपने वायदा किया किसान की जरूरत है, उसका कर्जा माफ कीजिए और उनको लागत का 50% लाभ दीजिए, जो कह के आपने वोट मांगा था। ठीक है रमन मलिक, सीधा सवाल सीधा जवाब। रमन मलिक, सीधा सवाल सीधा जवाब ये है, सीधा जवाब चाहिए आपसे, 50% लाभ की आपने बात की थी, हुआ क्या? सर 50% की बात का ये है कि जब प्रधानमंत्री ने इस चीज को बोला है तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी जो बनना है वो बैठ के बनाना है, ताकि वो दोनों तरीके से ठीक हो, किसानों के लिए भी ठीक हो, बाकियों के लिए भी ठीक हो। तो उसके साथ साथ उसमें क्या दिक्कत है? वक्त लगेगा, वादा पूरा करेंगे आप। हो गया है इरिगेशन की तरफ काम चालू हो गया, मेन्योर की तरफ काम चालू हो गया, बीज की तरफ काम चालू हो गया, नई तकनीक की तरफ काम चालू हो गया, मुआवजे की तरफ काम चालू हो गया, इंश्योरेंस की तरफ काम चालू हो गया। डर ये है कि अब हमारे पास मुद्दा नहीं बचेगा। किसान के ऊपर हमने अपनी रोटियां फेंकी थी, हम कहां जाएंगे बेचारे? तो फिर ये जो सड़कों पर उतर रहे हैं कौन है? ये जेल में दूसरा आए जाएंगे मुख्यमंत्री, तो सड़कों पर उतर रहे हैं वो कौन है? सर देखिए, बोला हमारा किसान जो है उसमें किसान कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने किसान नेता बनके अपनी चांदी काटी थी। चलिए ठीक है, वो जो है वो परेशानी में है। चलिए ठीक है प्रवीण अत्रे, सबसे पहले आपसे आरू में एक एक करके सबसे पूछता हूँ, ये वही बात हो रही है, किसानों को आप बरगला रहे हैं। जी देखिए वरुण, सबसे पहली बात जो मैंने अभी कही थी कि शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आना चाहता है, आप कानून व्यवस्था की बात करके उस पर लाठियां बांधते हो। क्या किसान ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया? क्या किसानों ने कहीं पे कोई दंगा किया? क्या किसानों ने कहीं पे कोई ऐसी कार्रवाई की कि कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया? सच्चाई ये है कि सरकार जोर जबरदस्ती और ताकत से किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। आप उनको बुलाइए, उनको बिठाइए, उनकी मांग पूछिए और उस अपने वायदे के हिसाब से उसको पूरा कर दीजिए। जो चाहते हैं कि आप उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दो, उनके ऊपर लाठियां बांध दो, इससे पता लगता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। चाहते नहीं है किसान की बात सुनना, अपने वायदों को पूरा नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है ठीक है, वीरेंद्र जी ये बताइए, जो जैसी बात रमन मलिक कह रहे हैं, किसान वाकई क्यों इतना भोला है कि वो किसी की बातों में भी आ जाता है? सरकार तो कह रही है हम कर रहे हैं, आप किसी की बातों में आकर या फिर किसान नेताओं की बात में आकर आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पूरा काम कभी भी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है ठीक है। देखिए मैं इस बात को विपक्ष पक्ष दोनों से उठ करके मैं ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दिल में है ये विषय। ये है कि जब भी सरकार का कोई भी, जैसे सरकार चुनाव के दौर मोड में आ गई है और चुनाव की ओर जा रहे हैं, तो विपक्ष भी चाह रहा है कि उनको कुछ काम मिले, तो इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर वो उस मुद्दों को उठाते हैं। दूसरी बात, सरकार ने जो वादे उस समय किए थे और वो वादे वो पूरा कर रही है, तो वो विश्वास किसानों तक वो कन्वे क्यों नहीं हो पा रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार का तो फेलियर बनता है। और एक और बात बनती है कि बड़ी मात्रा में हम ये चाहते हैं कि संवाद से विवाद को निपटाने का काम अगर करे, चाहे वो किसान नेता है चाहे वो सरकार है, तो सरकार की भी मंशा और हम किसान नेताओं की भी मंशा कि एक संवाद स्थापित हो और संवाद से विवाद निपटे, तो फिर ये विपक्ष भी और सत्ता अच्छा, भी संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा है, संवाद की कमी है और वो संवाद सरकार की पहल बनती है कि सरकार वो उठा करे और वो संवाद से उस विवाद को निपटाए। ठीक है मुझे ब्रेक पर जाना है, विजय ढिल्लो आपकी प्रतिक्रिया। मैं आ रहा हूं रमन मलिक साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए संवाद तो तब होगा जब इनको आने दिया जाएगा। अब किसानों को सिर्फ इस छोटी सी बात पे कह के रोक दिया जा रहा है कि आप ट्रैक्टर और ट्रॉली में आ रहे हैं। किसान का तो वही साधन है, वो तो मौत में भी उसमें जाता है, शादी में भी उसमें जाता है, उसको एक छोटे से कारण करके रोक दिया गया आप ट्रैक्टर ट्रॉली पे आ रहे हो, क्योंकि आप लोग संवाद करना ही नहीं चाहते हैं।